Abhi next question, the electric field inside a perfectly conducting hollow object. Perfectly conducting hollow object. तो आपको पता होगा किसी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तब वो चार्ज उसकी आउटर सरफेस पर रेसाइड करता है. यदि कोई कंडक्टर है ये हॉलो स्फीयर भी हो सकता है या सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है. इसको चार्ज देने पर चार्ज बाहर रेसाइड करता है ऑन द आउटर सरफेस. अब यदि मैं यहाँ कोई गाउशियन सरफेस बना लूँ और गाउशियन सरफेस के लिए आप जानते हैं इंटीग्रल ई डॉट डी एस. सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलन नॉट. अब यदि मुझे यहाँ फील्ड निकालनी है तो मुझे देखना पड़ेगा कि इस गाउशियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है. इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि चार्ज तो आउटर सरफेस पर है. ये मैंने गाउशियन सरफेस बना रखा है तो क्यू जीरो है और क्यू जीरो होने से ये जीरो होगा इंटीग्रल ई डॉट डी एस. और यदि ई डॉट डी एस जीरो है, डी एस जीरो हो नहीं सकता क्योंकि हमने सरफेस अज्यूम किया है तो ई ही जीरो होगा. तो इस तरह हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है. तो फोर पाई नहीं, इनफाइनाइट नहीं, बल्कि जीरो, डिपेंडेंट ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट के शेप पर भी ये डिपेंड नहीं करता. किसी भी शेप का कंडक्टर हो चार्ज आउटर सरफेस पर ही रेसाइड करता है, अंदर फील्ड हमेशा जीरो होती है. तो इस प्रॉपर्टी को याद रखना चाहिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ परफेक्टली कंडक्टिंग होलो ऑब्जेक्ट इज जीरो. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट पैरामीटर्स फॉर द कॉमन डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया. इसके पहले भी हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है. इसका आंसर तो आप देख कर टिक कर सकते हैं, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज. अब ये 220 वोल्ट ये कौन सी वैल्यू होती है, तो ये होती है आरएमएस. इस बात को याद रखना चाहिए, ये आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट. आरएमएस और पीक वैल्यू में क्या रिलेशन है, तो वी आरएमएस इज इक्वल टू होता है वी नॉट बाय रूट टू. यानी पीक वैल्यू वोल्टेज का कितना होगा, 220 टाइम्स रूट टू, यानी 311 वोल्ट. तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया कि जो वैल्यू हम कोट करते हैं वो आरएमएस वैल्यू होती है. और ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, मतलब एसी एक सेकंड में 50 साइकल्स कंप्लीट करती है. तो ये वैल्यू याद रखना चाहिए, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट्स इज एन एक्टिव कंपोनेंट. तो डीसी सर्किट्स में आपको मालूम है हम क्या क्या यूज करते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और या फिर कैपेसिटर. ये डीसी सर्किट्स में यूज होने वाले कंपोनेंट्स हैं. ये तीनों होते हैं पैसिव एलिमेंट्स. और सेल या बैटरी, ये सेल या फिर बैटरी, ये होते हैं एक्टिव एलिमेंट्स. ये एक्टिव एलिमेंट्स जो एनर्जी सप्लाई करते हैं और जो एनर्जी को यूज करते हैं वो होते हैं पैसिव एलिमेंट्स. इंडक्टर जो सेल एनर्जी सप्लाई करेगा उसे मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, हाफ एल आई स्क्वायर. फिर कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर कर लेता है, हाफ सी वी स्क्वायर. जो चार्ज बैटरी या सेल कैपेसिटर को सप्लाई करेगा वो ये स्टोर कर लेता है. तो एल और सी ये दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं. और रेजिस्टर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे फॉर्म्स में जैसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. तो क्या याद रखेंगे, सेल, बैटरी या फिर डायनामो, ये एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो एनर्जी सप्लाई करते हैं. और पैसिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, इस एनर्जी को यूज करते हैं, या तो स्टोर कर लेते हैं या फिर अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं. तो यहां पूछा हुआ है हमसे कि एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, तो रेजिस्टर तो पैसिव है, इंडक्टर भी पैसिव है और कैपेसिटर भी पैसिव है. तो आंसर होगा ट्रांजिस्टर. ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रांजिस्टर में एक प्रॉपर्टी होती है एम्पलीफाई करने की. आपने सुना होगा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, उसमें इस तरह का यदि सिग्नल इनपुट में डालेंगे तो ये एम्पलीफाई होकर मिलता है, वोल्टेज या करंट एम्पलीफाई करता है क्योंकि ये, इसलिए ट्रांजिस्टर कहलाता है एक्टिव कंपोनेंट. हालांकि ये सेल, बैटरी या डायनामो नहीं है, पर क्योंकि ये करंट एम्पलीफाई करता है, वोल्टेज या पावर को एम्पलीफाई करता है, और इसलिए ट्रांजिस्टर एक्टिव कंपोनेंट कहलाता है. तो रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ये पैसिव एलिमेंट्स हैं, इनको जैसे ही आप रूल आउट करेंगे तो ट्रांजिस्टर हो जाएगा एक्टिव कंपोनेंट, क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप या ये क्वेश्चन है. तो आंसर है ट्रांजिस्टर. तो आगे के लिए याद रखें, ट्रांजिस्टर इज एन एक्टिव
component. अभी next question important है, the product of conductivity and resistivity of a conductor. Conductivity is denoted by sigma and resistivity is denoted by rho. और आपको पता है resistivity is 1 upon conductivity. यानी दोनों एक दूसरे के reciprocal होते हैं. तो sigma into rho या rho into sigma will be equal to 1. The product हमेशा 1 के बराबर होता है किसी भी conductor के लिए. तो आगे बोला हुआ है depends on pressure applied. तो ये तो बिल्कुल ही गलत है. Depends on current flowing ये भी wrong, क्योंकि ये product हमेशा 1 के बराबर यानी constant होगा. The same for all conductors. C is correct. Varies from conductor to conductor is also incorrect. तो याद रखें कि product of conductivity and resistivity is always equal to 1 and is same for all conductors. Rho यदि ज्यादा होगा तो sigma कम हो जाएगा. Sigma यदि ज्यादा हुआ तो rho कम हो जाएगा, पर ये product हमेशा 1 के बराबर बना रहेगा. अभी next question. The resistance of a wire of length L and area of cross section A is x ohm. If the wire is stretched to double its length, its resistance would become. तो इस तरह का problem हम पहले भी कर चुके हैं. Stretching में क्या याद रखना चाहिए कि resistance होता है L square से directly proportional. तो यदि length कैसी कर दी है double, तो resistance 4 times हो जाएगा. तो पहले वो यदि x था तो अब वो हो जाएगा 4x, और इसलिए answer C is correct. तो हमेशा याद रखें कि resistance in stretching is directly proportional to square of length and resistance is inversely proportional to radius power 4. यदि change length में ही सिर्फ दिया हो, radius के बारे में नहीं बताया हो, तो ये formula लगाएंगे. और केवल यदि radius में change दिया हो, length में change नहीं बताया हो stretching में, तब ये formula लगाएंगे. पर कभी भी resistance का ये formula use ना करें. क्या आप सोचेंगे कि resistance length से directly proportional है? If length is doubled, radius will be, resistance will become twice. तो ऐसा ना सोचें. Stretching में R is proportional to L square and R is proportional to 1 upon R power 4, जिसमें R क्या है? Radius. तो ये problem बार-बार आती है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए. अभी अगला question करते हैं. 3 equal resistances when combined in series are equivalent to 90 ohm. Their equivalent resistance when combined in parallel will be. तो पहले 3 equal resistors को सीरीज में कनेक्ट किया, तब इक्विवेलेंट आया 90. तो आप जानते हैं कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. तीनों की वैल्यूज क्योंकि बराबर है, इसलिए सभी को R लिखेंगे. तो 3R इज इक्वल टू 90 एंड सो R इज 30 ओम. यानी वो हर रेजिस्टर 30 ओम का है. इन तीनों रेजिस्टर्स को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे अब, तब इक्विवेलेंट कितना होगा? तो 30 ओम के 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में. तो आपको याद आया होगा फॉर्मूला लगेगा R अपॉन 3. हर एक की वैल्यू कितनी है? 30. 30 अपॉन 3 इज 10 ओम. एंड सो आंसर इज 10 ओम. ए इज करेक्ट.